जूनियर एनटीआर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त है। उन्होंने ऋतिक रोशन स्टारर वॉर 2 में अपने हिस्सों की शूटिंग कर ली है। अब वो देवरा पार्ट 1 का बचा हुआ काम पूरा करने में लग गए हैं। देवरा के हिंदी वर्जन को करण जौहर प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद एनटीआर केजीएफ और सलार फिल्म प्रशांत नील के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं। ये एनटीआर के करियर की 31वीं फिल्म है, इसलिए इसे एनटीआर 31 नाम से बुलाया जा रहा था, मगर इस फिल्म का नाम मिल गया है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक एनटीआर 31 को ड्रैगन नाम से जाना जाएगा। ये टाइटल करण जौहर के पास था, जो उन्होंने फ्री में प्रशांत और एनटीआर को दे दिया है। पिंक विला में एक छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर की इस फिल्म को टेंटेटिव तौर पर ड्रैगन नाम दिया गया है। प्रशांत को ड्रैगन टाइटल तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम में तो मिल गया था, मगर हिंदी में ये टाइटल करण जौहर ने रजिस्टर करवा रखा था। 2014 में करण जौहर और रणबीर कपूर एक साथ फिल्म में बनाने वाले थे। उसे ड्रैगन नाम से बनाया जाना था, मगर बाद में वो फिल्म ब्रह्मास्त्र नाम से बनी, यानी करण ने उस टाइटल का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसे में प्रशांत और एनटीआर ने करण जौहर से 2 मिनट बात की। इस बीच दोनों के बीच सहमति बन गई और करण ने टाइटल प्रशांत को दे दिया। इसके लिए करण ने प्रशांत से 1 भी रुपए नहीं लिया। प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर पहली बार साथ काम करने जा रहे हैं। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग टाइमलाइन तय हो चुकी है, क्योंकि एनटीआर और प्रशांत दोनों ही अपने अपने प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं। प्रशांत प्रभास के साथ सलार 2 शुरू करने वाले हैं, वहीं एनटीआर देवरा में लगे हुए हैं। एनटीआर और प्रशांत नील की फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस कर रही हैं। ये वही प्रोडक्शन कंपनी है जिसने अल्लू अर्जुन की पुष्पा फ्रेंचाइज पर पैसा लगाया है। जूनियर एनटीआर पिछली बार आरआरआर में दिखाए आए थे, अब वो देवरा में दिखाई देंगे। इस फिल्म को कोरताला शिवा डायरेक्ट कर रहे हैं। एनटीआर के साथ जानवी कपूर और सैफ अली खान लीड रोल्स कर रहे हैं। इस फिल्म का बजट 200 से 250 करोड़ रुपए के बीच बताया जा रहा है। फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने बजट से ज़्यादा कमाई कर ली है। खबरों की माने तो फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स 250 करोड़ रुपए में बिके हैं। नॉर्थ इंडिया में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के राइट्स करण जौहर ने अनिल थडानी के साथ मिलकर खरीदे हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए 45 से 50 करोड़ रुपए खर्चे गए हैं। देवरा 10 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी शशांक ने। मैं हूं मनीषा और देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।